गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल। ये स्फेरिकल ट्रायंगल का एक नया टॉपिक है, नया एक्सरसाइज है। इसमें हमको पढ़ना है नेपियर्स रूल। नेपियर्स रूल क्या कह रहा है? नेपियर्स रूल कहता है कि मान लीजिए ये कोई आपका स्फेरिकल ट्रायंगल है, ये आपका कोई स्फेरिकल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल सी जो है ये आपका 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल। फिर इसमें आप देखिए, आप जानते हैं बी सी को कहा जाता है स्मॉल ए, ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया, साइड हम जानते हैं। अब क्या किए हम, इस राइट स्फेरिकल ट्रायंगल के चारों ओर एक सर्कल बना लिए। ये सर्कल आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा, हमको सर्कल बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये राइट स्फेरिकल ट्रायंगल के चारों ओर हम ये सर्कल बनाए हैं। अब इस सर्कल में आप देखें, इसका जो सर्कुलर कंपोनेंट ए पार्ट होगा क्या क्या होगा, एक हो गया आपका ये ए, एक पार्ट हो गया ये बी, एक पार्ट हो गया आपका, अब ये दो पार्ट हुआ। फिर एंगल ट्रायंगल में जो देखे आप, एक एंगल आपका सी है जो 90 डिग्री है, इसके अलावा बच गया आपका एंगल ए और एंगल ये बी, ये 90 डिग्री है आपका। तो ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट पढ़े हो, ये हो गया पाई बाय टू माइनस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया पाई बाय टू माइनस ए, और ये जो हाइपोटेनस है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया पाई बाय टू माइनस स्मॉल सी ए। इस प्रकार आप देखें कि ये जो सर्कल है किसी राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल के चारों ओर, इस सर्कल के पांच पार्ट हो गया, ये पांचों पार्ट कहलाता है सर्कुलर पार्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये पांच कल, ये जो फाइव सर्कुलर पार्ट है, इसमें से किसी एक को ले लीजिए, आप कलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ए लिए, ये लिए, किसी फाइव में से किसी एक को आप लीजिए, जिसको आप लीजिएगा वो कहलाएगा मिडिल पार्ट। ये जो आपका सर्कुलर कंपोनेंट है, इसमें से किसी एक को ले लीजिए, वो क्या कहलाया आपका मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट, अब ये नेपियर्स रूल क्या कह रहा है, मिडिल पार्ट में जब आप साइन लगाइएगा, साइन ए साइन बी जो भी लगाइए, साइन लगाइए आप किसी भी मिडिल पार्ट में, फाइव में से किसी एक में, तो उसका दो वैल्यू होगा, वो प्रोडक्ट होता है किसके, तो वो प्रोडक्ट होता है टेन के, किसके टेन के, तो टेन के ये जो इसमें देखिए आप, इसके ये मिडिल पार्ट ये लिए हम, ए लिए, ए के आसपास ये दोनों हैं, ये इनके पड़ोसी हैं और ये दोनों इसके अपोजिट में हैं। कोई भी मिडिल पार्ट लेंगे तो उसके आसपास वाला उसका पड़ोसी हो गया, ये लिए हम अगर मिडिल पार्ट, तो ये दोनों इसका पड़ोसी हैं, एडजेसेंट पार्ट हो गया और ये अपोजिट पार्ट हो गया। हाँ, तो साइन इंटू मिडिल पार्ट, साइन के एंगल में अगर मिडिल पार्ट लेंगे, मिडिल पार्ट में साइन लगाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टेन, किसके टेन, तो एजेंट पार्ट के, ये जो पड़ोसी हैं इसके टेन में होगा। और अगर अपोजिट पार्ट लेते हैं तो अपोजिट पार्ट में कॉस लग जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉस ऑफ अपोजिट पार्ट। तो नेपियर्स रूल यही कह रहा है। अब इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, अब उसी को हम लिखे यहाँ पे कि नेपियर्स रूल में, लेट अस सपोज डैट ए बी सी बी ए स्फेरिकल ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल सच डैट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो द टू साइड ए एंड बी द कंप्लीमेंट ऑफ द रिमेनिंग एंगल पाई बाय टू माइनस ए पाई बाय टू माइनस बी एंड द कंप्लीमेंट ऑफ द हाइपोटेनस पाई बाय टू माइनस सी आर कॉल्ड सर्कुलर पार्ट। Now we create any of the circular part and call it is middle part. Then the two circular part on either side of middle part are called adjacent part and the remaining two part are called opposite part.
ये हम पढ़ लिए पहले ही कि मिडिल पार्ट कैसे लेते हैं, उसका मिडिल पार्ट का अपोजिट पार्ट क्या होता है, एडजेंट पार्ट क्या होता है, ये हम जान गए हैं। अब नेपियर्स रूल क्या कर रहे हैं वो देखिए। अब देखिए नेपियर्स रूल कर रहा है आपको कि साइन जो होते हैं मिडिल पार्ट में, जब मिडिल पार्ट में साइन लगाइएगा तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एडजेंट पार्ट या प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ अपोजिट पार्ट। अपोजिट पार्ट क्या होता है ये हम जानते हैं, मिडिल पार्ट क्या होता है ये हम जानते हैं। पहले हम पढ़े फॉर्मूला पढ़ते हैं हम रूल वन के हिसाब से। मिडिल पार्ट अगर हम ए लेते हैं, अगर हम मिडिल पार्ट इसमें ए लिए, इसके आसपास ये दोनों हुआ पाई बाई टू माइनस बी टेन आइए बी हुआ। तो इसमें जब हम फर्स्ट रूल अप्लाई किए तो मिडिल पार्ट में जब साइन लगाए तो ये आ गया टेन, कितना तो टेन पाई बाई टू माइनस बी इंटू टेन स्मॉल बी, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया साइन ए इक्वल टू कॉट एंगल बी इंटू टेन बी। ये एक फॉर्मूला आया आपका मिडिल पार्ट ए लेने पे। ऐसे ही मिडिल पार्ट अगर हम बी लेते हैं तो बी लेने पे ये आ गया आपका साइन बी। तो यहाँ पे बी के आसपास कौन है तो बी के आसपास एक आपका स्मॉल ए है उसमें टेन लग गया और एक आपका 90 माइनस एंगल ए है तो ये आ गया आपका साइन बी इक्वल टू टेन ए इंटू कॉट ए। ये आ गया दूसरा, जान रहे हैं आप। ऐसे ही गए हम अगर मिडिल पार्ट हम पाई बाई टू माइनस ए लिए, मिडिल पार्ट अगर हम पाई बाई टू माइनस ए लिए तो ये हो गया आपका साइन पाई बाई टू माइनस ए। इसके आसपास कौन है इसके आसपास पाई बाई टू माइनस स्मॉल सी और बी है, इसमें टेन लग जाएगा ये होगा टेन पाई बाई टू माइनस स्मॉल सी इंटू टेन स्मॉल बी। साइन 90 माइनस ए आप पढ़े हुए हो, ये होता है कॉस ए, ये हो गया आपका टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है तो ये कॉट सी हो गया इंटू टेन बी, ये थर्ड हो गया आपका। फिर ऐसे ही अगर हम पाई बाई टू माइनस स्मॉल सी मिडिल पार्ट लिए तो यहाँ से आ गया टेन ए साइन ए इक्वल टू, ये मिडिल पार्ट लेते हैं क्या हम मिडिल पार्ट लिए हैं पाई बाई टू माइनस स्मॉल सी। इसके आसपास कौन है इसके आसपास ये दोनों हैं तो यहाँ पे आ गया आपका एक हो गया ये टेन पाई बाई टू माइनस एंगल ए इंटू टेन पाई बाई टू माइनस एंगल बी, ये आ गया। तो यहाँ से मिला हमको क्या साइन 90 माइनस सी कॉस सी इक्वल टू ये हो गया कॉट में कॉट ए इंटू कॉट बी, ये आ गया आपको। ऐसे ही अगर हम लेते हैं मिडिल पार्ट पाई बाई टू माइनस एंगल बी, ये आपका अगर मिडिल पार्ट हुआ इसमें अगर साइन लगाओगे यही फॉर्मूला अप्लाई किए तो आपका हो जाएगा कॉस एंगल बी इक्वल टू इसके आसपास ये दोनों हैं तो कॉट स्मॉल सी इंटू में हो जाएगा टेन स्मॉल ए। ये हाँ, तो जब हम नेपियर्स का पहला नियम बनाए तो ये फाइव फॉर्मूला मिला। सेम ऐसे ही दूसरा में क्या कहते हैं प्रोडक्ट में कॉस लगाने के लिए, ये आप ले लिए समझ गए इतना। अब यहाँ पे हम नेपियर्स सेकेंड नियम अप्लाई करते हैं नेपियर्स का। ये कहता है कि अगर मिडिल पार्ट ए लें उसमें साइन लगाएं तो अपोजिट पार्ट में लगाना है कॉस, ए का अपोजिट पार्ट ये दोनों हुआ सामने में उसमें कॉस लगेगा तो कॉस पाई बाई टू माइनस स्मॉल सी इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एंगल ए। तो ये आ गया आपका साइन स्मॉल ए बराबर साइन स्मॉल सी इंटू साइन एंगल ए, ये आया आपका फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मिडिल पार्ट बी लेते हैं तो सेकेंड रूल कह रहा है बी का अपोजिट ये दोनों हो गया आपका, लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस स्मॉल सी इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एंगल बी, ये हो जाएगा आपका साइन बी इक्वल टू साइन स्मॉल सी इंटू साइन एंगल बी। फिर पाई बाई टू माइनस ए लेते हैं इसका अपोजिट पार्ट ये दोनों हो गया, इसमें लग गया आपका साइन लगाए तो ये हो गया आपका कॉस
पाई बाय टू माइनस एंगल बी इंटू कॉस स्मॉल ए, ये हो जाता है साइन 90 माइनस ए, पढ़े हो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा ये साइन एंगल बी इंटू कॉस स्मॉल ए, ये फिर पाई बाय टू माइनस स्मॉल सी को अगर मिडिल पार्ट लेते हैं तो सेकेंड लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस सी इक्वल टू, ये आ गया आपका इसका अपोजिट पार्ट, तो कॉस स्मॉल ए इंटू कॉस स्मॉल बी, तो ये आ गया आपका कॉस स्मॉल सी इक्वल टू कॉस स्मॉल ए कॉस स्मॉल बी, ये और यही हम लगाए अगर मिडिल पार्ट लेते हैं पाई बाय टू माइनस बी, इसमें साइन लगाएंगे आप तो साइन लगाने पे क्या हो गया ये कॉस बी साइन 90 माइनस बी कॉस बी इक्वल टू, इधर आ गया इसका अपोजिट पार्ट, ये दोनों है इसमें कॉस लगाएंगे हम तो कॉस लगाए यहाँ पे तो पाई बाई टू माइनस ए हो गया साइन ए इंटू इसमें कॉस लगा तो कॉस स्मॉल बी, ये इस प्रकार आप देखें कि फाइव क्वेश्चन फाइव फार्मूला डिराइव किए हम बनाए हैं, वन पे और टू पे भी फाइव क्वेश्चन मैंने फाइव फार्मूला बना है। तो ये जो आपका है राइट एंगल स्पेरिकल ट्रायंगल नेपियर्स लॉ के हिसाब से इसमें हमको टेन फार्मूला पढ़ना है, फिर इस पे आधारित जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए बाय।